आप लोगों ने 1857 का विद्रोह सुना होगा। अब आप लोग कहेंगे कि अभी चर्चा में क्यों है? तो आपको बता दूं कि अंबाला में हरियाणा सरकार ने एक स्मारक संग्रहालय बनाने की बात की हुई है। एक तरह से 1857 के जो शहीद थे उस समय की, उनकी याद में। अब आप देख लीजिए, ये हमारा प्यारा भारत है, इसमें आप देखेंगे आपको ये हरियाणा देखने को मिलेगा। इसकी राजधानी चंडीगढ़ है, ठीक है? तो इसी की बात कर रहा हूँ। देखिए, उत्तर प्रदेश से लगा हुआ है, राजस्थान से भी इसकी सीमा लगी हुई है, पंजाब से भी लगी हुई है, हिमाचल प्रदेश से भी लगी हुई है, ठीक है? तो इसी की बात कर रहा हूँ। तो हाल ही में ये घोषणा की गई है, और आप जानते हैं कि सरकारें इस तरह का काम करती रहती हैं। तो अंबाला में युद्ध स्मारक बनाने का उद्देश्य उन गुमनाम नायकों की वीरता को अमर करता है जिन्होंने स्वतंत्रता के प्रथम विद्रोह यानी कि अंग्रेजों के खिलाफ जो हुआ था, इसकी पटकथा लिखने का श्रेय कभी नहीं मिला उन्हें। और आप लोगों को एक और जानकारी दे देता कि देखिए, 1857 की क्रांति से आपकी परीक्षाओं में क्वेश्चंस हमेशा पूछे जाते रहते हैं। अगर आप लोग स्टेट पीसीएस की तैयारी करते हैं, सिविल सर्विस की तैयारी करते हैं, तो आपसे मुख्य परीक्षा में भी क्वेश्चंस पूछ लेता है, समझ रहे हैं आप लोग? और बाकी आप वनडे एग्जाम देख लीजिए, जो स्टेट लेवल के होते हैं या सेंट्रल लेवल की, उनमें तो एक दो क्वेश्चंस आपके हर बार पूछे जाते रहते हैं। आप लोग यूपी पीसीएस के पुराने क्वेश्चंस पेपर उठा के देखिए, एमपीपीएससी या सिविल सर्विस के उठा के देख लीजिए। अगर आप लोग पुरानी अपनी परीक्षा, जिस भी परीक्षा की तैयारी करें, उसके पुराने क्वेश्चंस पेपर उठा के देखेंगे, तो मुझे लगता है कि आप लोग बेहतर समझ पाएंगे कि कौन सा टॉपिक आपकी परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। और इसमें आप देखिए कि 1800 विद्रोह से डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जा सकता है। इसके कारण क्या थे, क्या रीजन था ये विद्रोह होने का, उनसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। इसके कहाँ कहाँ हुआ था, कौन कौन से केंद्र थे, उनसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। उस केंद्र के, मान लीजिए झांसी में हुआ, तो झांसी में नेतृत्व किसने किया था उसका, तो ये भी पूछा जा सकता है। और वहां झांसी में जैसे मान लीजिए अगर विद्रोह हो रहा है, आंदोलन हो रहा है, तो वहां दबाया किसने था, कौन सा अंग्रेज था वहां, तो इस तरह के क्वेश्चन कई बन सकते हैं आपके, ठीक है? तो एक सामान्य जानकारी हम लोग इसमें देख लेते हैं। यह है अंबाला में विद्रोह की घटनाओं पर विशेष जोर देने के साथ स्वतंत्रता संग्राम में हरियाणा के योगदान को भी उजागर करेगा। और इसके प्रमुख बिंदुओं की बात करें तो हम लोग, तो 1857 के विद्रोह के, यह ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ संगठित प्रतिरोध की पहली अभिव्यक्ति थी। आप देखिए, झांसी की रानी के बारे में आप लोगों ने सुना होगा, और मुझे लगता है कि आप लोग झांसी की रानी के बारे में अगर पढ़े होंगे और सिंधिया घराने के बारे में पढ़े होंगे आप लोग, तो आप लोग बेहतर जानते होंगे कि जो आज हम कर्म करते हैं वो एक दिन इतिहास में लिखा जाता है। अगर, और याद रखिए, आज हो सकता है कि हम लोग जो कर्म कर रहे हैं, सरकार के खिलाफ आवाज उठा रहे हो, लोगों के खिलाफ आवाज सच बोल रहे हो, उसे हो सकता है कि आज उतना महत्व ना दिया जाए, आपका साथ देने के लिए लोग कम खड़े हो, लेकिन याद रखिए जब मूल्यांकन होगा आज के समय का, तो उस समय आप हीरो होंगे। झांसी रानी की लक्ष्मीबाई के बारे में देख लीजिए, उस समय आप देखिए अंग्रेजों के विरुद्ध ये विद्रोह कर रही थी, तो इन्हें पता नहीं कौन कौन से शब्दों से नवाजा जा रहा था, और सिंधिया को एक तरह से आप कहिए बहुत बड़ा देशभक्त कहा जा रहा था। लेकिन आज आप देखिए उल्टी परिस्थिति हो चुकी है। आज हम लोग रानी लक्ष्मीबाई को मानते हैं, पूजा करते हैं, सम्मान की नजर से देखते हैं, तो आप समझ सकते हैं। और एक बात और आप लोग जानते होंगे, देखिए उस समय भी कई महिलाएं रही होंगी, लेकिन आप देखिए हर किसी का नाम इतिहास में हम लोग नहीं पढ़ते, तो उस समय भी आप देखिए कि उस समय तो, और आप देखिए कि पुरानी सोच वाले लोग रहते थे, महिलाओं को घर से निकलने नहीं दिए जाते थे, फिर आप देखिए कि रानी लक्ष्मीबाई निकली और लड़ी। यह ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की सेना के सिपाहियों के विद्रोह के रूप में शुरू हुआ था, लेकिन जनता की भागीदारी भी इसमें शामिल कर ली गई थी। विद्रोह को कई नामों से जाना जाता है, जैसे सिपाही विद्रोह, ब्रिटिश इतिहासकारों ने कहा कि ये सिपाही विद्रोह, भारतीय विद्रोह, महान विद्रोह, भारतीय इतिहासकारों ने कहा है कि ये महान विद्रोह था। 1857 का विद्रोह, भारतीय विद्रोह, स्वतंत्रता का पहला युद्ध, स्वतंत्रता का पहला युद्ध किसने कहा था, पहला युद्ध विनायक दामोदर सावरकर ने। तो इसे भी आप लोग, इसके नामों को भी आप लोग याद रख सकते हैं। अगर हम लोग इसकी हरियाणा की बात करें, तो हरियाणा में विद्रोह का क्या परिणाम रहा था, क्या किस तरह की रही थी, तो इतिहासकार केसी यादव के अनुसार 1857 का विद्रोह वास्तव में अंबाला में शुरू हुआ था, ना कि मेरठ में, जैसा कि लोकप्रिय माना जाता है। अभी हम लोग इतिहास में पढ़ते होंगे तो आप लोगों ने देखा होगा, हम लोग पढ़ते हैं मेरठ से शुरू हुआ था, लेकिन केसी यादव कह रहे हैं कि ये विद्रोह अंबाला से शुरू हुआ था वास्तव में।
उन्होंने हरियाणा में 1857 का विद्रोह नामक अपनी पुस्तक में अपने निष्कर्षों के का दस्तावेजीकरण भी किया है। और इसमें महत्वपूर्ण नेताओं की बात करें तो राव तुलाराम अहिरवाल, गफ्फूर अली, हरसुख राय, धनु सिंह फरीदाबाद, नाहर सिंह बल्लभगढ़ आदि हरियाणा में विद्रोह के महत्वपूर्ण नेता थे। यहाँ जो विद्रोह हो रहा था उसके एक तरह से आप कह सकते हैं नेतृत्वकर्ता थे। कौन थे? नेतृत्वकर्ता थे। और प्रमुख युद्ध की बात करें तो कई युद्ध राज्यों के शासकों द्वारा लड़ी गई और किसानों द्वारा भी कभी कभी ब्रिटिश सेना को पराजित किया गया। और कुछ सबसे महत्वपूर्ण युद्ध सिरसा, सोनीपत, रोहतक और हिसार में लड़े गए। और सिरसा में चौर मार का प्रसिद्ध युद्ध भी लड़ा गया था। और हरियाणा का आप लोग देखिए बड़ा महत्व रहता है, पानीपत का युद्ध सुने हैं आप लोग? तो आप देखिए हरियाणा की एक तरह से वीरों की भूमि रही है। देखिए अब वैसे हम बात करें तो विद्रोह के कारण क्या रहे थे, 1857 के विद्रोह के कारण कौन कौन से थे, तो इन चार पांच कारणों को आप लोग याद रखिए। अगर मुख्य परीक्षा में भी आपसे लिखने के लिए है तो उसे आप लोग लिख के एक तरह से उसके बारे में बता सकते हैं। एक तो आप देखेंगे राजनीतिक कारण था इसका, अंग्रेजों की विस्तारवादी नीति। 1857 के विद्रोह का प्रमुख राजनीतिक कारण अंग्रेजों की विस्तारवादी नीति और बहुगत का सिद्धांत था। बड़ी संख्या में भारतीय शासकों और प्रमुखों को हटा दिया गया था, जिससे अन्य सत्तारूढ़ परिवारों में के मन में भय पैदा हो गया था। और बहुगत के सिद्धांत को लागू करके डलहौजी ने 1748 ईस्वी में जैतपुर और संबलपुर, इसे 1849 ईस्वी में बघाट, 1850 ईस्वी में और उदयपुर, 1852 ईस्वी में झांसी को 1853 ईस्वी में और नागपुर को 1854 ईस्वी में राज्यों को अपने कब्जे में ले लिया था, अपने में मिला लिया था। यहाँ के जो भी राजा हुआ करते थे उन्हें एक तरह से गद्दी से हटा दिया गया था। सामाजिक और धार्मिक अगर हम लोग कारण की बात करें तो दूसरा इसका सामाजिक और धार्मिक कारण भी रहा। भारत में तेजी से फैल रही पश्चिमी सभ्यता के कारण आबादी का एक बड़ा वर्ग चिंतित था और सती प्रथा और कन्या भ्रूण हत्या जैसी प्रथाओं को समाप्त करने और विधवा पुनर्विवाह को वैध बनाने वाले कानून को स्थापित सामाजिक संरचनाओं के लिए खतरा माना गया था। देखिए उस समय के लोग जो थे वो अलग सोच रखते थे। देखिए वो सती प्रथा को अच्छा मानते थे, कन्या भ्रूण हत्या की बात करते थे और विधवा पुनर्विवाह को वो गलत मानते थे। और अंग्रेज क्या कर रहे थे, इसमें सुधार कर रहे थे। तो लेकिन उस समय के लोगों को लगा कि ये खतरा है उनके लिए। शिक्षा ग्रहण करने के पश्चिमी तरीके हिंदुओं के साथ साथ मुसलमानों की रूढ़िवादिता को सीधे चुनौती दे रहे थे, तो ये भी एक कारण इसमें रहा है। आर्थिक कारण भी इसमें था, एक आर्थिक कारण भी आप लोग लिखेंगे। ग्रामीण क्षेत्रों में किसानों और जमींदार भूमि पर भारी भरकम लगाम यानी कि कर और कर राजस्व वसूली के सख्त तौर तरीके के कारण किसानों की पीढ़ियों पुरानी जमीनें हाथ से निकलती जा रही थी और किसानों को इसका भय था कि हमसे जमीनें चली जाएगी। बड़ी संख्या में सिपाही खुद किसान वर्ग से थे और अभी भी आप देखते हैं कि जो हमारी आर्मी में सेनाओं में जो जवान रहते हैं उनके परिवार अधिकतर किसान होते हैं और वे अपने परिवार गांव को छोड़कर आए थे, इसलिए किसानों की शिकायतों ने उन्हें भी प्रभावित किया था। इंग्लैंड में औद्योगिक क्रांति के बाद ब्रिटिश निर्मित वस्तुओं का प्रवेश भारत में हुआ, जिससे विशेष रूप से भारत के कपड़ा उद्योग को बर्बाद कर दिया था। यहाँ की जो कंपनियां थी एक तरह से मिल थी वो बर्बाद हो रही थी। भारतीय हस्तकला उद्योगों को ब्रिटेन के सस्ते मशीन निर्मित वस्तुओं के साथ प्रतिस्पर्धा करनी पड़ी। आप देखिए कि हमारे यहाँ लोग अपने हाथों से मान लीजिए कोई चादर बनाते थे और आप देखिए इंग्लैंड में ब्रिटेन में मशीनों से चादर बनती थी, तो उनकी मशीनों के द्वारा जो चादर बनाई जाती थी एक तरह से वो बड़ी सस्ती होती थी और हमारे यहाँ जो लोग हाथों से बनाते थे वो महंगी पड़ती थी। लेकिन हमारे बाजार में वही जब आएगी और सस्ती आएगी तो आप देखिए हमारे जो भी इस तरह के हस्तकरघा उद्योग थे उन पर बुरा प्रभाव पड़ेगा, स्वाभाविक सी बात रहती है। और इसका एक कारण सैन्य कारण भी था, तो भारत में ब्रिटिश सैनिकों के बीच भारतीय सिपाहियों की संख्या 75% थी, लेकिन उन्हें ब्रिटिश सैनिकों से दुर्व्यवहार का सामना करना पड़ता था। हमारे देश के जो सिपाही थे उनके साथ भी आप देखिए उनके यहाँ के जो सैनिक थे दोनों में जमीन आसमान का भेदभाव देखने को मिलता था। वेतन को लेकर देख लीजिए और भी सुविधाओं को लेकर देख लीजिए, तो एक कारण था सैन्य मतलब सैनिकों में आप कह सकते हैं रोष का। एक भारतीय सैनिक को उसी रैंक के यूरोपीय सैनिक से कम वेतन का भुगतान मिलता था। और एक तरह से आप देखिए कि आप हैं उस समय, आप मान लीजिए कि आप उसमें अंग्रेजों की सेना में हैं और एक इंग्लैंड का है ब्रिटेन का है और आप लोग एक ही पद पर हैं, मान लीजिए आप एसआई उस समय के दरोगा समझ लीजिए आप लोग, सीधी सी बात।
आप दरोगा है, वो भी दरोगा है, आपको कम वेतन दे, आपको कम सुविधाएं दे, और उसे ज्यादा वेतन दे, ज्यादा सुविधाएं दे, तो आप समझ सकते हैं कि आपके मन में किस तरह के सवाल उठेंगे। उनसे अपने घरों से दूर क्षेत्रों में काम करने की अपेक्षा की जाती थी। और 1856 में लॉर्ड कैनिंग ने एक नया कानून, सामान्य सेवा भर्ती अधिनियम 1856 जारी किया था, जिसमें कहा गया है कि कोई भी व्यक्ति जो कंपनी की सेना में नौकरी करेगा तो जरूरत पड़ने पर उसे समुद्र पार भी जाना पड़ेगा। और आपको बता दूं कि हमारे देश के जो सैनिक थे, जो लोग थे, वो समुद्र में जाने में एक तरह से धर्म के हिसाब से नहीं मानते थे, वो मानते थे कि ये गलत है समुद्र में जाना, ठीक है, समुद्र को पार करना, तो ये भी एक कारण बना था इसका। तत्कालीन कारण की अगर बात करें कि शुरुआत किससे हुई थी आखिर, ये तो प्रमुख कारण रहे हैं, लेकिन उस समय शुरुआत किस कारण से, तत्कालीन कारण कौन सा था? तो 1857 का विद्रोह अंततः चर्बी वाले कारतूसों की घटना को लेकर शुरू होता है। एक अफवाह फैल गई थी उस समय कि एनफील्ड जो राइफल आई हुई है, इसमें जो कारतूस लगाए जाते हैं वो गाय और सुअर की चर्बी का प्रयोग होते हैं, और सिपाहियों इन राइफलों को लोड करने से पहले कारतूस को मुंह से खोलना पड़ता था, और ऐसे में हिंदू मुसलमान दोनों सिपाहियों ने उनका इस्तेमाल करने से इनकार कर दिया था। और आप सभी लोग जानते होंगे, गाय हिंदुओं में पवित्र पशु माना जाता है और सुअर मुसलमानों में पवित्र पशु माना जाता है, तो इसको लेकर आप देखिए दोनों लोगों की भावनाएं को ठेस पहुंचा और इस आंदोलन को एक तरह से शुरुआत हुई है इसके कारण, ठीक है। ये आपके विद्रोह के स्थान है कि जहां विद्रोह हुआ था, और ये भारतीय नेता उसका किसने वहां का नेतृत्व किया था, और ये ब्रिटिश अधिकारी जिन्होंने विद्रोह को दबा दिया गया था। तो दिल्ली की सबसे पहले बात करते हैं, तो दिल्ली में याद रखिए बहादुर शाह द्वितीय यहाँ के मुख्य नेतृत्व करता थे, एक तरह से आप नेता कह सकते हैं। और यहाँ किसने दबाया था इस विद्रोह को? जॉन निकोलसन ने। निकोलसन ने एक क्वेश्चन कई बार पूछ लिया, इसलिए बता रहा हूँ, याद जरूर रखना है। लखनऊ की अगर बात करें तो बेगम हजरत महल यहाँ की नेतृत्व कर रही थी, और इस विद्रोह को दबाने का काम किया था हेनरी लॉरेंस ने, लखनऊ की। कानपुर की बात करें तो नाना साहब यहाँ के नेतृत्व करता थे, और इस कानपुर की जो विद्रोह था इसे दबाने का काम किया था सर कॉलिन कैंपवेल ने। झांसी और ग्वालियर की बात करें तो आपको मालूम होगा कि लक्ष्मीबाई और तात्या टोपे यहाँ के नेतृत्व करता थे, और जनरल ह्यू रोज ने इस आंदोलन को दबाया था, इस विद्रोह को दबाने का काम किया था। बरेली की बात करें तो खान बहादुर खान और सर कॉलिन कैंपवेल ने इस विद्रोह को दबाने का काम किया था। इलाहाबाद और बनारस की बात करें तो मौलवी लियाकत अली यहाँ के नेतृत्व करता थे, और इस विद्रोह या आंदोलन को खत्म करने का काम किया था कर्नल ऑन सेल ने। बिहार की बात करें तो कुंवर सिंह यहाँ के नेतृत्व करता थे, और विलियम टेलर ने इस आंदोलन को खत्म करने का काम किया था। देखिए आप लोग सभी जानते हैं, इतिहास आप लोगों ने पढ़ा होगा, तो आपको मालूम भी होगा कि इसे सफल, कई लोगों ने सफल विद्रोह भी कहा और कई लोगों ने कहा है कि ये असफल रहा था। तो आखिर वो कारण कौन कौन से, विद्रोह के असफलता के कारण कौन कौन से रहेंगे? आप लोग जब मुख्य परीक्षा की तैयारी करते होंगे या आंसर राइटिंग करते होंगे, तब आप लोग उन कारणों को भी लिखते होंगे, तो इन कारणों को भी आप लोग देख लीजिए। एक तो इसमें सबसे बड़ा कारण था सीमित प्रभाव। विद्रोह मुख्य रूप से दोआब क्षेत्र तक ही सीमित था, और बड़ी रियासतें जैसे हैदराबाद, मैसूर, त्रावणकोर, कश्मीर, राजपूताना इस विद्रोह में शामिल नहीं हुए थे, और कई तो ऐसे राजघराने थे, रियासतें थी जिन्होंने अंग्रेजों का साथ दिया था। दक्षिण प्रांतों में भी इसमें दक्षिणी जो प्रांत थे उन्होंने भी इसमें भाग नहीं लिया था। मान लीजिए कि आपका एक गांव है, सीधा से उस समय की रियासतों को आप अपना गांव समझ लीजिए, आपके गांव में कोई बाहरी आता है और युद्ध होता है, और मान लीजिए कि आप में से कई लोग उस युद्ध में शामिल होते हैं, लेकिन आपके जो पड़ोसी होंगे वही आपके युद्ध में शामिल ना रहे, और हो सकता है कि आपके कुछ पड़ोसी उन बाहरी लोगों का साथ दें, तो आप समझ सकते हैं कि हारना एक स्वाभाविक सी बात होती है। प्रभावी नेतृत्व का अभाव। विद्रोहियों के बीच एक प्रभावी नेता का अभाव था। हालांकि नाना साहब, तात्या टोपे और रानी लक्ष्मीबाई आदि बहादुर नेता थे, लेकिन वे समग्र रूप से आंदोलन को प्रभावी नेतृत्व प्रदान नहीं कर सके। यानी कि आप देखिए कि एक विजन होता है, एक रणनीति होती है, कि मान लीजिए कि कोई अगर नेतृत्व करता है, वो अगर जेल चला जाता है या वो उसे मार दिया जाता है, तो पीछे से कोई दूसरा नेतृत्व करता तो आना चाहिए, ये भी कमी उस समय देखी गई थी। सीमित संसाधन। सत्ताधारी होने के कारण रेल, डाक, तार और परिवहन संचार के अन्य सभी साधन अंग्रेजों के अधीन थे, और इसलिए विद्रोहियों के पास हथियारों और धन की कमी थी, एक कारण भी एक इस असफलता का था। मध्य वर्ग की भागीदारी नहीं। अंग्रेजी शिक्षा प्राप्त मध्यम वर्ग जो बंगाल के अमीर व्यापारियों और जमींदारों ने विद्रोह का दबाने में अंग्रेजों की मदद की थी, तो वही बात है कि अब बताइए घर का ही अगर साथ न दे
तो क्या होता है? तो वही इस विद्रोह के साथ भी हुआ। और इस विद्रोह के अगर हम लोग परिणाम की बात करें कि आखिर इस विद्रोह के परिणाम क्या रहे हैं, रिजल्ट क्या रहा है, तो कंपनी के शासन का अंत होता है। 1857 के विद्रोह आधुनिक भारत के इतिहास में एक ऐतिहासिक घटना मानी जाती है। और इलाहाबाद के दरबार में लॉर्ड केनिन ने घोषणा की भारतीय प्रशासन अब महारानी विक्टोरिया यानी कि ब्रिटिश संसद के अधीन था। और आप देखेंगे इसी 1857 के विद्रोह के बाद की बात है। धार्मिक सहिष्णुता, अंग्रेजों ने यह वादा किया कि भारत के लोगों के धर्म एवं सामाजिक रीति रिवाजों और परंपराओं का सम्मान करेंगे। उन्हें भी समझ में आ गया कि यहाँ के अगर रहना है तो यहाँ के लोगों के धर्म में एक तरह से कोई हस्तक्षेप नहीं करना है। प्रशासनिक परिवर्तन, भारत के गवर्नर जनरल के पद को वायसराय के पद से स्थानांतरित किया गया था और भारतीय शासकों के अधिकारों को मान्यता दी गई थी। विभक्त के सिद्धांत को समाप्त कर दिया गया था। अपनी रियासतों को दत्तक पुत्रों को सौंपने की छूट दे दी गई थी। दत्तक पुत्र कहने का मतलब है कि कोई गोद ले ले, उसका अपना खून मतलब अपना बच्चा ना हो, रियल समझ रहे हैं, वो किसी और बच्चे को गोद ले ले तो उसी की बात हो रही है। सैन्य पुनर्गठन, सेना में भारतीय सिपाहियों का अनुपात कम करने और यूरोपीय सिपाहियों की संख्या बढ़ाने का निर्णय लिया गया था, लेकिन सस्तागार ब्रिटिश शासन के हाथों में रहा और बंगाल की सेना के प्रभुत्व को समाप्त करने के लिए यह योजना अपनाई गई थी। तो ये कहानी थी 1857 के विद्रोह की। और इन सभी पॉइंटों को आप लोग याद रखिए, हो सकता है इनसे क्वेश्चन जरूर पूछा जाए और मुझे लगता है पूछा जाता है, तो आप लोग बेहतर इसका आंसर भी दे पाएंगे। ठीक है।